तो ज्योति की तरह तो आपका खूबसूरती भी चमचमा रहा है जी। इस खूबसूरती को निहारने वाला दीपक कोई है कि नहीं है? अभी नहीं चाहिए। अभी नहीं चाहिए मुझे, माने इन है फ्यूचर, अभी आगे सोच रहे हैं फ्यूचर के लिए। लेकिन दीपक चाहिए अभी नहीं, ज्योति को चमचमाने के लिए। दीपक और ज्योति मिल जाएंगे? अभी नहीं, कोई जरूरत नहीं, ना मिले तो कह रहा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। हाँ। कहता तो होगा लोग, कहता होगा लोग, अभी हम बाबा बाबा मास्टर हूँ, अब बेटी रील्स बनाओ, इस तरह की बातें चलता है आसपास पे। चलता है लेकिन हम लोग नहीं ध्यान देते, वो लोग मेरा खर्चा नहीं है, वो लोग मेरा खर्चा चलाने थोड़ा आएगा, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। मेरा दादा वादा कोई सब कोई सपोर्ट करता है मेरे को। हाँ अच्छा, रील बना रही थी, कितने उम्र में रील बनाना शुरू कर? बहुत छोटे थे तब से हम शुरू किए हैं रील बनाना, जरूरी है लेकिन मन नहीं लगता था। यही 15-20 हज़ार लेते हैं एक शो का। हाँ एक शो का कितना घंटा? एक दो तीन घंटा करिए लेते हैं। 3 घंटा का? तो जैसे तिसाकर, जैसे प्रमोद हो गए, शिवेश मिश्रा, प्रमोद के साथ कौन सा गोरी वो सब धन तहरे के लिख दें, और शिवेश मिश्रा हरियर टिकुलिया, बहुत सारा गाना है, मतलब बहुत किए हैं। हरियर टिकुलिया सोशल मीडिया का दौर है, और इस सोशल मीडिया का दौर में कब कैसे वायरल हो जाए कोई नहीं जानता। अभी हमारे साथ फ्रेम में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है जिसको आप देख रहे होंगे, इनका नाम है ज्योति आर्या। ज्योति आर्या के बारे में हम बता दें कि ये बहुत सारे बड़े बड़े कलाकारों के साथ, जिसमें प्रमोद प्रेमी, सुवेश मिश्रा, तमाम ऐसे मगर स्टार, उनके साथ ये काम कर चुकी है। और इन्होंने शुरुआत बेहद ही छोटा वीडियो से, यानी कि एक घरेलू वीडियो से, साड़ी पहन के एक शुद्ध गाने पर ये नाचती हैं और वायरल हो जाती हैं। हम ज्योति आर्या से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका सफ़र कैसे शुरू हुआ। अब हम ज्योति आर्या से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सा गाना था जिस पे ये वायरल हो गई, और किनके साथ काम कर रही है, अभी इवेंट शो भी कर रही है। स्वागत है ज्योति, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और जितने भी चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक दे रहे उनको नमस्ते। बहुत खूबसूरत है यार, खूबसूरती का राज क्या है? कुछ नहीं, ऐसे ही नेचुरल ब्यूटी, ऊपर वाला का ये। अच्छा ज्योति, वो कौन सा गाना था जिस पे आप वायरल? हाँ, लेके थरिया खोजेला तरकरिया पवन जी का गाना है, उसी पे वायरल हुए थे। हाँ स्टेज पे वायरल, मतलब स्टेज पे भी कार्यक्रम करती है? हाँ स्टेज पे भी करते हैं। तो कब से ये करती है, मतलब इस लाइन में आते हुए? इस लाइन में मतलब जैसे प्रोग्राम हो गया और एल्बम हो गया, शूटिंग तो 1-2 साल हो ही गया मुझे। हाँ मैंने ऑर्केस्ट्रा लाइन में भी नाचती है क्या? हाँ इसमें भी करते हैं, लोग डिमांड करता है तो आती हूँ, नहीं रहती हूँ। अच्छा, डिमांड पे क्या लेते हैं? डिमांड पे मतलब अगर आपको बुलाता है कोई तो क्या चार्ज लेते हैं? यही 15-20 हज़ार लेते हैं एक शो का। हाँ एक शो का कितना घंटा? एक दो तीन घंटा करिए लेते हैं। 3 घंटा का? तो जैसे तिसाकर मधु हो गई, काजल हो गई, माही मनीषा हो गई, इनके साथ मतलब? हाँ। मन शेयर किए कि नहीं कभी, आमना सामना हुआ है? अभी नहीं, काजल के साथ हुआ है और आर्टिस्ट के साथ नहीं अभी हुआ। माही मनीषा? नहीं नहीं, हाँ लोग भी बहुत अच्छी करती हैं, लेकिन अभी जैसा हाइट है उन लोग का भी सेम हाइट वगैरह है, उन लोग के साथ नहीं किए, काजल जी के साथ किए हैं। पापा क्या करते हैं? पापा मेरा एक खेत बदारी करते हैं, घर पे किसान है। हाँ कहाँ के रहने वाले? यूपी, उत्तर प्रदेश। हमने सुना है कि आपके घर में एक कोई प्रधानाध्यापक? हाँ मेरे दादाजी हैं। हाँ। लोग नहीं कहता है कि जिसकी नाती नाच रही है ऑर्केस्ट्रा में उसके मतलब बाबा प्रिंसिपल हैं? नहीं कोई नहीं, कुछ नहीं कहता है। एग्जाम कहता होगा, आसपास के लोग तो कहते होंगे नॉटी पटदार। अब पटदार क्या कह रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। हाँ। कहता तो होगा लोग, कहता होगा लोग, अभी हम बाबा बाबा मास्टर हूँ, अब बेटी रील्स बनाओ, इस तरह की बातें चलता है आसपास पे। चलता है लेकिन हम लोग नहीं ध्यान देते, वो लोग मेरा खर्चा नहीं है, वो लोग मेरा खर्चा चलाने थोड़ा आएगा, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। मेरा दादा वादा कोई सब कोई सपोर्ट करता है मेरे को। हाँ अच्छा, रील बना रही थी, कितने उम्र में रील बनाना? बहुत छोटे थे तब से हम शुरू किए हैं रील बनाना। हाँ। सपोर्ट कौन करता है बिहाइंड द कैमरा, कैमरा के पीछे कौन रहता है? मेरे मम्मी पापा ज़्यादा सपोर्ट करते हैं लोग। पापा भी सपोर्ट करते हैं? हाँ पापा भी करते हैं। कहते हैं कि रील बनाओ? हाँ कहते हैं। क्या इच्छा है ज्योति, क्या बनना चाहती है? मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ बहुत। किनके जैसा? देखिए एक्ट्रेस तो बहुत सारे हैं, भोजपुरी हुआ चाहे, मुझे किसी के साथ नहीं, मुझे खुद से बनना है बड़ा। किनके जैसा बनना चाहती है? किसी के जैसा नहीं, मुझे खुद बनना है, मुझे खुद मेहनत करना है। हाँ हाँ। ज्योति को भी जाने की, ज्योति भी एक ब्रांड है, जैसे तमाम काजल रगवानी हो गई। हाँ। चाहे बॉलीवुड की बहुत सारी कलाकार हैं जी, अक्षरा सिंह हो गई। हाँ। इनके मतलब अक्षरा जैसा चेहरा भी आपका है थोड़ा बहुत, मोटाई भी एक जैसा है। आप भी उतना ही मोटा हो जितना अक्षरा मोटा है। यस।
मेंटेनेंस करके रखना पड़ता है। हाँ, रखना पड़ता है। किनके किनके साथ काम की है? जैसे प्रमोद हो गए, शिवेश मिश्रा। प्रमोद के साथ कौन सा? गोरी वो सावधान तहरे के लिख देम, और शिवेश मिश्रा हरिया टिकुलिया, बहुत सारा गाना है, मतलब बहुत किए हैं काम। अच्छा, हरिया टिकुलिया शिवेश हमारा मित्र है। अच्छा, उनके साथ आप काम किए? हाँ, किए हैं। वो हरिया टिकुलिया, हरिया टिकुलिया। हाँ, अभी आप देख रहे हैं कि ये ज्योति है, जिनका मतलब कह सकते हैं कि उम्र 18 प्लस ही है। 18 उम्र की? हाँ, 18 प्लस ही है। लड़कियों का तो उम्र नहीं पूछा जाता है। हाँ, 18 ही प्लस है मेरा। 18 प्लस है। हाँ। अच्छा, फ्यूचर में शादी होकर सेट हो जाना है कि बड़ा मतलब नाम कमाना है उसके बाद फ्यूचर? नहीं, मुझे अभी बड़ा काम मतलब करना है, मुझे आगे बढ़ना है। अभी मुझे आगे बढ़ना है, करियर पे फोकस करना है जी। अच्छा, और ये क्या नाम है, जो मगही स्टार हैं, चाहे मगही का सुपर स्टार अगर हम कहें तो अभी गुंजन सिंह हैं, उनके साथ काम किए हैं कि नहीं? जी, अभी नहीं, मौका मिला, मिलेगा तो जरूर करूंगी उनके साथ भी हम। और किन के साथ काम करना चाहते हैं? जैसे पवन जी हो गए, खेसारी जी, जितने भी मतलब सुपरस्टार हैं सबके साथ करना चाहते हैं। अच्छा, इन दोनों में से जो अभी भोजपुरी के दो सुपरस्टार हैं, एक पावर स्टार, एक ट्रेंडिंग स्टार जिसे लोग कहते हैं, इन दोनों में से किनके साथ मतलब ज्यादा इच्छा है कि नहीं पहले इनके साथ करता? मुझे जिसके साथ काम मिलेगा उसके साथ कर लेंगे, दोनों में। कौन बेहतर लगता है? दोनों मुझे अच्छे लगते हैं। नहीं, एक को चुनना है? नहीं नहीं, दोनों मुझे अच्छे लगते हैं। अच्छा, इन दोनों में से अगर खेसारी के बारे में हम बात करें तो खेसारी में सिंगिंग अच्छा लगता है, डांसिंग अच्छा लगता है, एक्टिंग? दोनों उनका अच्छा लगता है। और पवन सिंह के बारे में? वो भी अच्छे लगते हैं। तो सुर के भाई सौदागर हैं जी। हाँ, बहुत अच्छा गाना गाते हैं वो भी। बहुत अच्छा क्या, वो मतलब माँ सरस्वती के पुत्र लोग उन्हें कहते ही हैं जी। अभी हाल ही में वो गए हैं अंबानी जी के शादी में। हाँ, देखे हैं, अभी पूरा ट्रेंडिंग में चल रहा है। ज्योति आर्या क्या कहना चाहेगी, जो उनके पब्लिक लोग हैं उनसे क्या कहना? हाँ, ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही प्यार, हम भी ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। अच्छा, कितना फॉलोअर है अभी इंस्टाग्राम पे? अभी तो मैं न्यू खोली हूँ तो ज़्यादा नहीं है फॉलोअर्स अभी है। लेकिन तो एल्बम कैसे मिल गया? हम लोग को पटना में बुलाया गया, कांटेक्ट था। बुलाया गया, मम्मी से बात किए लोग, हमको बुलाया लोग। अच्छा, मम्मी के साथ जाते? हाँ, मम्मी एनी टाइम आपके साथ? एनी टाइम मेरे साथ ही रहते हैं। हाँ, फिलहाल ये ज्योति है, और ज्योति जो है एल्बम बना है और रील बनाती है, और रील बना बना के ये स्टार हो गई है। अब सामने झंडा मेला आने वाला है, बड़ा बड़ा शो बुक होता है, इवेंट शो होता है, इच्छा है करने का? हाँ, पब्लिक बुलाएगा तो जरूर जाऊंगी, और अच्छा लगता है काम करने में झंडा मेला में। क्या लगता है कि कौन आपका बेस्ट कॉम्पिटिटर है, मतलब किससे मुकाबला करने में मजा आएगा? कौन मतलब जो झंडा मेला के स्टार है? सबके साथ हम चाहते हैं, सबके साथ हम काम करें। ना कि भाई सामने, जैसे माही मनीषा के लोग चाहते हैं कि माही मनीषा हमारा कॉम्पिटिटर हो, उसको हम पटका नहीं दें, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके साथ काम करना होगा उसके साथ हम काम, साथ नहीं विरोध में काम करना। साथ विरोध कुछ नहीं है, विरोध कुछ नहीं। अरे, मंच का विरोध हम नहीं कर रहे हैं कि आप उससे झगड़ा करिए। हाँ, वो नहीं कह रहे, कला में विरोध। हाँ, सबके साथ। अगर मान लीजिए खिलाड़ी है तो दो खेल मतलब दो टीमें खेलेगी तो एक तो हारेगी ही हारेगी। हाँ, ये तो पब्लिक जानता है। किनके साथ आप चाहती हैं कि हम खेले और उसको हराएं? हम सबके साथ चाहते हैं, मतलब काम करके सबको हम पटका नहीं दें। हाँ, अंत में पब्लिक से क्या कहना चाहिए? यही कि मतलब मुझे मतलब बुकिंग करना होगा तो मेरा इंस्टा आई से कर सकते हैं, ज्योति आर्या 5। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, इसके अलावा पढ़ाई वढ़ाई करते हैं? करते थे लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं। कहाँ तक पढ़े हैं? 9 तक पढ़े हैं। क्यों छोड़ दिए? पढ़ना भी जरूरी है। हाँ, पढ़ना भी जरूरी है लेकिन मन नहीं लगता था। किस में मन लगता है ज्योति को? मुझे ज़्यादा वीडियो बनाने में बहुत मन लगता था। वीडियो बनाने में मन लगता है, पढ़ने में? आजकल की लड़कियों का यही हो गया। कुछ मैं सबको नहीं कह रहा हूँ भाई, बहुत सारे लोग बहुत कुछ लिखने लगेंगे, लेकिन आजकल का ये दौर है कि सोशल मीडिया का दौर है, इंस्टाग्राम पे तमाम वो छोटी छोटी बच्ची, 2.5 साल, 2 साल, 3 साल की बच्ची वायरल हो जाती है। एक मिस्टी वायरल हुई थी जिसकी उम्र हम मुझे लगता है कि 2-2.5 साल की होगी। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं तो ज्योति को पढ़ने का मन नहीं करता है, साफ साफ। हाँ। एग्जाम क्लियर कह दी। हाँ। ज्योति पढ़ना है कि ब्रेक कर देना है, पढ़ाई को छोड़ देना? ऐसे तो मतलब मम्मी कोचिंग धराई थी तो जाते थे, पटना में कोचिंग धराई थी मम्मी मेरी, तो टाइम ही नहीं मिलता है जाने के लिए, कहीं इधर जाओ, कहीं शूटिंग में जाओ, टाइम ही नहीं मिलता है। ना सोने का, ना खाने का, ना कुछ भी शेड्यूल नहीं? नहीं नहीं, काम रहता है, क्या करें। अंत में कुछ कहना चाहोगे? हाँ, कि जितने भी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं बताइएगा जरूर। ये बेहद ही कम उम्र की लड़की और बहुत ही खूबसूरत लड़की। मैडम कैसी हैं? बढ़िया है। नाम क्या है मैडम? ज्योति आर्या। ज्योति आर्या। आर्या, तो ज्योति की तरह तो आपका खूबसूरती भी चमचमा रहा है जी। इस खूबसूरती को निहारने वाला दीपक कोई है कि नहीं है?
अभी नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए मुझे, मैंने इन है फ्यूचर, अभी आगे सोच रहे हैं फ्यूचर के लिए। लेकिन दीपक चाहिए अभी नहीं, ज्योति को चमचमाने के लिए। दीपक और ज्योति मिल जाएंगे अभी नहीं, कोई जरूरत नहीं, ना मिले तो रह दो।